अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अवैध चौधरी फ्रॉम प्रोडक्ट ट्यूशंस। और ये केमिस्ट्री का हमारा लेक्चर है, जिसमें लास्ट लेक्चर में जो हम लोगों ने चीजें डिस्कस की थी, दैट वाज ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री। ब्रांचेस ऑफ केमिस्ट्री को हमने ओवरव्यू किया था, कौन सी ब्रांचेस फॉर एग्जांपल आप लोगों को पढ़नी चाहिए सिलेबस के हवाले से, कौन सी ब्रांचेस इंपॉर्टेंट है, कौन सी ब्रांचेस आप लोगों को पेपर के हवाले से ज्यादा बेहतर तरीके से याद होनी चाहिए, वो सारी हम लोगों ने डिस्कस की थी। आज के इस लेक्चर में हम लोग जो चीज डिस्कस करेंगे वो होंगे हमारे कुछ बेसिक डेफिनेशंस, जैसे फॉर एग्जांपल हमारा मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, उसके बाद हमारा सब्सटेंस क्या होता है, एलिमेंट क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है, मिक्सचर क्या होता है, सारी जितनी बेसिक डेफिनेशंस हैं जो कि आपको ये चैप्टर शुरू करने से पहले पता होनी चाहिए, उन डेफिनेशंस के बारे में हम आज के चैप्टर में हमारे आज के इस लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। एक डिस्क्लेमर दे दूं कि बिल्कुल डीप डाइव हम लोग नहीं करेंगे, इसमें पहले क्लियरली बता दूं, हम लोग डीप डाइव बिल्कुल हर चीज को नहीं करेंगे कि एटम को मजीद 10-15 मिनट लगा के एक्सप्लेन कर रहे हो मैटर क्या चीज होती है, नहीं। एक ओवरव्यू दिया जाएगा, उसके कुछ टाइप्स बताई जाएंगी, छोटा सा उसका खुलासा दिया जाएगा, एंड दैट्स इट। क्लियर? इतना कि आप लोगों के पेपर के हवाले से इंपॉर्टेंट हो और इतना कि आप लोगों को याद भी रह सके। क्लियर? सो दिस इज इट, हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम कुछ बेसिक डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो जो पहली हम लोग डेफिनेशन आज के टाइम में डिस्कस करेंगे वो होगी हमारी मैटर की, दैट व्हाट इज मैटर। अब बेसिक आप लोग क्लास 9 के स्टूडेंट है, क्लास 7 में भी पढ़ा होगा, 6 में, 8 में भी पढ़ा होगा आप लोगों ने, दैट मास, दैट मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, यानी उसका कुछ वजन होता है और वो कुछ जगह को ऑक्यूपाई करता है, एनीथिंग वो हमारा मैटर कहलाता है। क्लियर? और मैटर की अभी हम लोग तीन टाइप्स पढ़ रहे थे अभी तक 9th स्टैंडर्ड तक, सॉलिड, लिक्विड, गैस। अब जो एक नई टाइप इंक्लूड की गई है आपके सिलेबस में, दैट इज प्लाज्मा। अब प्लाज्मा को भी हम लोग डीप डाइव करेंगे आने वाले टॉपिक्स में, जब हमारे डिस्कशन होगी तो हम लोग प्लाज्मा को भी डीप तरीके से पढ़ेंगे, उसके टाइप्स को पढ़ेंगे, उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे सारों को। सो अभी यहां पर मैं अगर आपको बताऊं मैटर, सो मैटर की डेफिनेशन आप लोग क्या लिखोगे, और एक और चीज मैं आपको बताता चलूं, इन जो चीजें मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ एवरीथिंग आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लेक्चर्स के नोट्स होते हैं, इस लेक्चर के भी आपको नोट्स मिलेंगे, वहां पर हर चीज पहले से लिखी भी मौजूद है, अलग से नोट्स भी आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो नोट्स को गो थ्रू जरूर कर लिया करें वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर, और अगर आपको पसंद आए वो नोट्स, अगर आपको पढ़ने में आसानी हो तो उसको आगे जरूर रेकमेंड किया करें, शेयर जरूर किया करें, ताकि वीडियोस, ये लेक्चर्स उन तक पहुंच सके जिन्हें इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है। क्लियर है? एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपके भाई की आपसे, अगर आप लोग पूरी कर सकें तो बहुत शुक्रिया, नहीं तो वैसे भी आप लोग पढ़ रहे हैं यही काफी है हमारे लिए, और तक भी पहुंच जाए तो और अच्छी चीज है। क्लियर? सो एनीथिंग आप लोग लिखोगे इसे नोट्स में, दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइड स्पेस। क्लियर? एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर की तीन टाइप्स होती है हमारे पास, कौन कौन सी होती है जनाब, यहां पर लिखेंगे हम लोग सॉलिड, लिक्विड और गैस। आप अभी तक यही पढ़ते आ रहे थे, अब एक और टर्म हम लोग इस चैप्टर में यानी पढ़ेंगे आगे डिटेल में, दैट इज प्लाज्मा। क्लियर? सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा, ये चार टाइप्स है मैटर की जो कि आप लोग इस चैप्टर के अंदर पढ़ोगे। सिंपल सी डेफिनेशन है, ओवरव्यू दिया आप लोगों को, व्हाट इज मैटर, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। हर चीज हमारे गिर्द अगर हम लोग देखें जो भी मौजूद है, फॉर एग्जांपल वो एक टेबल से लेकर एक पेन तक, पेन से लेकर बोर्ड तक, बोर्ड से लेकर बाइक तक, बाइक से लेकर घर तक, घर से लेकर इस पूरे शहर तक, हर चीज मैटर की बिना पर बनी है, सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों की मदद से बनी है। क्लियर? तो सिंपल है, एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। मैटर का ओवरव्यू हम लोगों ने ले लिया, अब बढ़ते हैं एटम की तरफ कि एटम क्या चीज है, सब्सटेंस क्या चीज है और मॉलिक्यूल क्या चीज है हमारे पास। तो एटम की यहाँ पे डेफिनेशन जो आपकी बुक में लिख रखी है, हम लोग उसी के हिसाब से चलेंगे, ताकि आप लोग भी कोई ऐसी एक्स्ट्रा चीज ना याद करो जो कि आप लोगों के सिलेबस में ना हो और बाद में आपको पता चले कि भाई ने तो ये चीज पढ़ा दी है तो हमारे सिलेबस में नहीं है। तो क्लियर है? तो अपने भैया को कोई गलती है तो उसके लिए माफ कर दीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल हो ही जाती है इंसान से गलती, भाई कोई टॉपिक समझाने में कोई टॉपिक नहीं समझ आया तो जरूर बताइएगा कि कहां कोई चीज समझ नहीं आ रही, कोई गलती हो रही तो उसे वीडियो के कमेंट में बताएं। वीडियो के कमेंट में बताने से शर्म आ रही है, आपको लगता है कि सब आपकी गलती पर हंसेंगे, आपके बताने की वजह से हंसेंगे, तो आप पर्सनल मैसेज भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम कोलैबोरेशन जरूर करें। क्लियर है? सो यहां पर हम लोग बढ़ते हैं एटम की तरफ। लिखा हुआ है मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एटम और मॉलिक्यूल जो है ये दोनों चीजें आपस में लिंक है। किस तरीके से, मैं भी आपको समझाता हूं। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स फॉर्म्ड बाय एटम्स और मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं सॉलिड की, तो सॉलिड एक बॉक्स है। अब इस बॉक्स के अंदर छोटे 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 इतने सारे इसके एटम्स होंगे जिन्होंने मिलकर एक पूरा बॉक्स बना रखा होगा। अब इन छोटे छोटे एक एक एटम को अगर हम लोग गिनने जाए तो ये एक सिंपल हमारा एटम बना। देखो मैं ऐसे बोलते भी मुंह से निकलेगा कि सिंपल एक छोटा सा दाना है, एक छोटा सा जर्रा,
किसी भी चीज की अगर हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, कोई भी फॉर एग्जाम्पल बड़ी से बड़ी आप लोग चीज ले लो, बड़ी से बड़ी तखलीक ले लो अल्लाह पाक की, उसका छोटे से छोटा हिस्सा बिल्कुल एक माइनर माइनर बिल्कुल जीरो जीरो के बराबर जो आपकी वो चीज होती है, दैट इज नोन एज एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल, किसी भी चीज का स्मॉलेस्ट पार्टिकल कहलाता है आपका एटम। और अगर हम लोग इसकी एग्जांपल लेते हैं, फॉर एग्जांपल इन दो दानों को मिलाकर एक साथ अगर हम लोग काउंट करते हैं तो जनाब ये बन जाता है आपका एक मॉलिक्यूल, यानी दो एटम्स या दो एलिमेंट्स की वजह से बनता है एक मॉलिक्यूल, और सिंगल एटम्स की वजह से बनता हो रहा है आपका मैटर बन रहा होता है, सिंगल सिंगल यूनिट अगर आपको देखो तो वो होता है आपका एटम, मल्टी यूनिट या डुअल यूनिट देखो तो वो आपका कहलाता है मॉलिक्यूल। इसकी एक और सरल एग्जांपल हम लोग इस तरीके से लेते थे, देखो एटम और मॉलिक्यूल के अंदर मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ, एटम और मॉलिक्यूल के दरमियान एक छोटा सा डिफरेंस समझाता हूँ। एटम ऑक्सीजन, क्लियर, ऑक्सीजन है, केमिस्ट्री पढ़ी है बेसिक अभी तो स्टार्ट किया, जब रहा लोगों ने अगर आप लोग लाइन से देखते आ रहे तो अभी तो आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा, लेकिन जिन्होंने पढ़ रखा है लोगों को पता होगा कि ऑक्सीजन का सिंपल एक एटम होता है जिसका एटॉमिक नंबर होता है 16। ऑक्सीजन से अगर हम लोग बात करते हैं इसके मॉलिक्यूल की तो ये हो जाता है आपका O2, यानी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, इसका एटॉमिक नंबर है 16, इसका हो जाएगा 32। और इसी तरीके से देखो सिंपल है, सिंगल यानी अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे हमारे पास एटम, ये आपके पास है ऑक्सीजन का एटम 16, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल 32, और तीसरा जो होता है आपके पास उसे कहते हैं ट्राई एटॉमिक। देखो यहां पर इस चीज को ध्यान देना, ये एक और पॉइंट है आप लोगों को बताना जरूरी है, मोनो एटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, यानी जिसमें एक एटम हो, सिंगल एटम, मोनो एटॉमिक, डबल एटम, डायटॉमिक, ट्रिपल एटम। देखो मैं ट्रिपल एटम की भी आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, ट्रिपल एटम किस तरीके से O3 यानी ओजोन, आप लोगों ने पढ़ा होगा ओजोन लेयर, इसका आपके पास एटॉमिक नंबर होता है 48, क्लियर। एटम क्या होता है 16, एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या होता है 2 ऑक्सीजन 32, ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल क्या होता है आपके पास जिसमें आपके पास 3 ऑक्सीजन होते हैं, क्लियर। जैसे एग्जांपल ले लिया हम लोगों ने यहां पे ओजोन, सो यहां पे ऐसे काफी सारे और मॉलिक्यूल है जिनके आप एग्जांपल ले सकते हो, काफी ऐसी सारी चीजें जिनकी वजह पर आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से कवर अप कर सकते हो, एटम मॉलिक्यूल के डिफरेंस को सिंपल है बिल्कुल सरल तरीके से आप लोग बताने की कोशिश की गई है कि मैटर क्या होता है, एटम क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, सारी चीजें क्लियर। अब इन्हीं से रिलेटेड आगे दो चीज और है, हमारे पास एलिमेंट होता है, सब्सटेंस होता है, फिर हम लोग मिक्सचर के टॉपिक को कवर अप करेंगे और आहिस्ता 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 इस चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। इस चैप्टर के अंदर जितनी हम लोग अगर बेसिक चीजें देखें तो सारी आपके मोल्स क्या होता है, अवोगाड्रो नंबर क्या होता है, फॉर एग्जांपल एम्पिरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, सारी जितनी बेसिक डेफिनेशन है, बेसिक टर्म जितनी आपको केमिस्ट्री से पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए, वो सारी चैप्टर के अंदर डिस्कस्ड है, क्लियर है। तो सारी हम लोग इंशाल्लाह ताला आने वाले टाइम में डिस्कस कर रहे होंगे, जिसमें से अभी हम कुछ बेसिक डिस्कस कर रहे हैं, इन्हीं के नोट्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे, जिस बच्चे ने डिस्क्रिप्शन नहीं देखी वो लेक्चर पूरे तरीके से अटेंड नहीं कर रहा, याद रखिएगा। अगर आपके पास नोट्स नहीं, आप सिर्फ देख रहे हो और आप मजे के लिए देखकर शेयर पे होगा, आपने टॉपिक समझ लिया, लेकिन अगर आपने नोट्स उस चैप्टर को नहीं पढ़ा, आपने नोट्स अपने पास नहीं रखे, तो फाइनल टाइम में जब आप प्रिपरेशन करने बैठोगे तब आपके जहन से चीज निकल सकती है, लेकिन नोट्स अगर आपके पास होंगे तो आप लोग देखकर याद कर सकोगे कि हमने इस चीज को इस तरीके से पढ़ा था, हमें याद है, क्लियर है। तो नोट्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, जरूर उनको चेकआउट कर लेगा। बढ़ते हैं हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक जो कि सब्सटेंस, एलिमेंट और कंपाउंड है, उन तीनों को हम लोग एक साथ डिस्कस करेंगे क्योंकि वो तीनों एक ग्रुप के मैटर है, तो आइए उनकी तरफ बढ़ते हैं। तो सब्सटेंस अगर हम लोग डिस्कस करें यहाँ पर तो लिखा है सब्सटेंस इज अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, मतलब यानी कि अभी हम लोगों ने एक चीज डिस्कस की थी कि मैटर की होती है टोटल 3 टाइप्स, सॉलिड, लिक्विड और गैस, क्लियर। हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिख लेते हैं एक बार, सबसे पहली सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब सब्सटेंस क्या होता है, मैं आप लोगों को बताता चलूं, पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म, यानी अगर मैं बात करता हूं सॉलिड की, तो सॉलिड की दुनिया में अगर हम लोग बात करें आपके गोल्ड की, क्लियर, गोल्ड सॉलिड होता है सबको पता है, घर में सबके कभी किसी ना किसी ने पहना होगा, है ना, क्लियर है, गोल्ड है, गोल्ड सॉलिड है, गोल्ड प्योर होता है, प्योर गोल्ड आपने देखा होगा 24 कैरेट गोल्ड होता है, प्योर है, सॉलिड अगर हम लोग लें तो उसकी प्योर फॉर्म है, तो कह सकते हैं कि गोल्ड है जो वो एक सब्सटेंस है, गोल्ड बिल्कुल एक सब्सटेंस है क्योंकि सॉलिड की प्योर फॉर्म है। लिक्विड की अगर हम लोग एग्जांपल ले लें तो जनाब सबसे कॉमन लिक्विड जो कि आज की दुनिया में जो कि जिसकी आने वाले टाइम में बहुत किल्लत होने वाली है, लेकिन हमारे लोगों का इसका इल्म नहीं है, वाटर सबसे आम लिक्विड है आप लोगों का, वाटर, क्लियर। गैस की दुनिया में आपके पास ऑक्सीजन, कार्बन, कितनी सारी गैसेस हैं जो कि प्योर है बिल्कुल, यानी जो सिंगल यूनिट है और एक अपनी हैसियत रखती है, मैटर की प्योर फॉर्म है, गैस, लिक्विड, सॉलिड। तो किसी भी मैटर की प्योर फॉर्म, सॉलिड की प्योर फॉर्म, लिक्विड की प्योर फॉर्म, गैस की प्योर फॉर्म कहलाती है आपकी सब्सटेंस, क्लियर हो गई चीज। सब्सटेंस के बाद अंडर यूनिट आता है आपके पास एलिमेंट। नाउ व्हाट इज एलिमेंट, प्रेजेंट इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड स्टेट। एक और चीज के अभी तक देयर आर 118 एलिमेंट्स
टिल नाउ, यानी आज की तारीख में अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल देखते हैं ना अपना, पीरियोडिक टेबल जो केमिस्ट्री का, उसमें 118 एलिमेंट्स आज तक में वो डिस्कवर हो चुके हैं, जिनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, टेरेनियम, स्कैंडियम, जर्मेनियम, कितने सारे एलिमेंट हैं। क्लियर है? तो पीरियोडिक टेबल के रिलेटेड हम लोग बात करें तो सारे एलिमेंट्स आपके 118 एलिमेंट अभी तक डिस्कस हो चुके हैं। और ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो आपका ऑक्सीजन हो, वो कार्बन हो, वो नाइट्रोजन हो, वो फॉस्फोरस हो, वो पोटेशियम हो, वो कुछ भी हो सकता है, वो रिबिडियम हो, सीजियम हो, वो रिबिडियम हो, कितने सारे मेजर एलिमेंट्स हैं जो कि आप लोग पढ़ भी चुके हैं, आपको कहीं के नाम भी बताओगे, तो सारे एलिमेंट आपके कहलाते हैं। बिल्कुल एलिमेंट देखो स्टेटमेंट से ही निकल रहा है, ये चीज एलिमेंट कहलाते हैं। दे आर प्रेजेंट इन नेचर इन फ्री और कंबाइंड स्टेट, यानी ये अपनी एक हैसियत रखते हैं, या ये किसी और एलिमेंट की मदद से जो है वो क्रिएशन में आते हैं, इनका अपना कोई वजूद नहीं होता। यहाँ तो ये अपनी एक हैसियत फ्री स्टेट में मौजूद है, या ये किसी एलिमेंट के साथ जो है रिएक्शन करने की वजह से वो क्रिएशन में है, कंबाइंड स्टेट। क्लियर है? इनके बरअक्स इसी से रिलेटेड है कंपाउंड आपका। देखो एरो डाउन कर रहा हूं, मतलब सबसे पहले सिंगल यूनिट, सिंगल से सिंगल और डबल यूनिट, कंपाउंड से डबल यूनिट होगा आपका। When two or more elements combine together, they form a compound. देखो बहुत सरल तरीके से, बहुत आसान तरीके से definitions यहाँ पे लिख रखी हैं, सारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर देखिएगा, ये सारी डेफिनेशन आपको वहां मिल जाएंगी, आपको अलग से नोट्स बनाने की जरूरत तो नहीं पड़ने वाली। टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड टूगेदर, एलिमेंट्स की अगर हम लोग यहाँ से एग्जाम्पल ले रहे, फॉर एग्जाम्पल ये ऑक्सीजन और सी ले रहे थे कार्बन की, सो ऑक्सीजन प्लस कार्बन, ओ प्लस सी बनता है सी ओ, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको कहलाते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। सारी चीजें आप लोग पढ़ोगे आस्ते आस्ते इंशाल्लाह ताला। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है आपका, ये दोनों एलिमेंट है। क्लियर? और एलिमेंट से जब ये दोनों एलिमेंट आपस में जुड़े तो इन्होंने क्या बना दिया, एक कंपाउंड बना दिया। क्लियर? कंपाउंड बना दिया एक आप लोगों का, एलिमेंट ने मिलकर एक कंपाउंड बना दिया, एलिमेंट ये रहे, कंपाउंड ये कहलाते हैं जो कि दो एलिमेंट्स की मदद से बना हो, तीन एलिमेंट्स की मदद से बना हो, चार की मदद से बना हो, 99,000 की मदद से बना हो, जनाब वो आपका कंपाउंड कहलाते हैं, जिसमें एक या एक से ज्यादा एलिमेंट जो है वो इन्वॉल्व हो। क्लियर होगी बात यहां तक? सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, तीनों जो है हम लोगों ने लाइन वाइज इन चीजों को डिस्कस किया, बहुत आराम से चीजों को लेकर चल रहा हूं, उम्मीद है आप लोगों को चीजें क्लियर हो रही होंगी, इतनी कि आप लोग एमसीक्यूज में वाइवा में इन चीजों को खुद से अपने अल्फाजों में बता सकें। अब जो है इंशाल्लाह ताला हमारी अभी इसमें एक और टॉपिक है हमारा मिक्सचर का, वो भी मैं अभी डिस्कस कर लेता हूं, उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट वीडियोस आने वाली है उनमें हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको सिंबल लिखने होते हैं, सिंबल होते क्या है, सिंबल को राइट कैसे किया जाता है, उसके बाद वैलेंसी क्या होते हैं, आने वाले लेक्चर्स में इंशाल्लाह ताला वो डिस्कस होगा। तो लाइन से जरूर लेक्चर्स को देखिएगा, क्योंकि अगर आप स्ट्रक्चर तरीके से लेक्चर्स को देखोगे तभी जाकर वो अंडरस्टैंडिंग, वो टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग हो पाएगी जिसके लिए आप ये वीडियोस देख रहे हो। क्लियर है? तो स्ट्रक्चर तरीके से लेक्चर्स को देखना, तब फायदा होगा। सो बढ़ते हैं आज के इस लेक्चर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है मिक्सचर। सो लास्ट टॉपिक जो कि आपके इस लेक्चर का है वो है मिक्सचर्स का। अब मिक्सचर्स क्या होते हैं, लिखा है व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स फिजिकली कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म अ मिक्सचर। सिंपल है, आसान से अल्फाजों में किस तरीके से अभी बताते हैं, बिल्कुल टेंशन लेने की बिल्कुल बात नहीं है। इसके हमारे पास दो टाइप्स होती है। मैं इसकी अगर टाइप्स की बात करूं आपके पास, पहले हम इसकी टाइप्स लिख लेते हैं। दो टाइप्स होती है आपके पास, क्लास नाइन्थ के स्टूडेंट है इतना आप लोगों को अमूमन पता होना चाहिए, नहीं पता तो खैर हो गए, अभी जरूर पढ़िएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो चीजें दी गई हैं उनसे जरूर पढ़िएगा। होमोजीनस और हेट्रोजीनस, दो तरीके के मिक्सचर्स होते हैं आपके पास, होमोजीनस और हेट्रोजीनस। अब अगर मिक्सचर है ना, देखो टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड फिजिकली कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म्ड अ मिक्सचर। अगर हम लोग बात करें देखो एलिमेंट की, एलिमेंट मैंने ऑलरेडी बोला है कि एलिमेंट सिंगल यूनिट होते हैं, या एलिमेंट एक अपनी आइडेंटिटी रखते हैं। अगर मैं बात करता हूं देखो, सोडियम Na और क्लोरीन दोनों एलिमेंट है, जी बिल्कुल वही दोनों एलिमेंट है, दोनों मिलकर क्या बनते हैं, NaCl। इन्होंने मिक्सचर बनाया किसका, Na और Cl का, जो क्या होता है कॉमन सॉल्ट। क्लियर? बना आपका क्या, देखो NaCl बना क्या, NaCl। इसी तरीके से आप देखो Cu प्लस SO4, Cu कॉपर SO4 सल्फेट आपका होता है, देखो यहां पर कंपाउंड यहां पर एलिमेंट, तो ये क्या बन जाएगा CuSO4, ये भी मिक्सचर बनेगा, लेकिन यहां पर एलिमेंट और कंपाउंड आया, यहां पर सिर्फ दो एलिमेंट, यहां पर कंपाउंड भी आ गया, ये रहा। तो एट दी एंड जो बनता है सिंपल, वो चीज आपकी मिक्सचर कहलाती है। और मिक्सचर आपके दो टाइप का होता है, होमोजीनस हेट्रोजीनस। और मिक्सचर आपका जो है होमोजीनस जो मिक्सचर होता है, इट इज अनसेपरेबल कह लो या इनसेपरेबल कह लो, जो भी आपको इजी लगे,
इट इज अनसेपरेबल, और हेट्रोजीनियस इट इज सेपरेबल, यानी होमोजीनियस मिक्सचर एक ऐसा मिक्सचर होता है जिसमें पार्टिकल्स इतने अच्छे से आपस में मिक्स हो जाते हैं कि उन्हें दोबारा अलग करना मुमकिन नहीं होता, जबकि हेट्रोजीनियस में पार्टिकल्स में थोड़ा बहुत तनाव रहता है जिसकी वजह से उन्हें दोबारा अलग किया जा सकता है। क्लियर है? यहाँ पर अगर हम लोग एग्जांपल लें तो काफी सारे प्रोसेस हैं जिनके जरिए आपके मिक्सचर जो है वो अलग हो सकते हैं। फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, डिस्टिलेशन का प्रोसेस है, काफी सारे प्रोसेस हैं जिनके जरिए आपके मिक्सचर्स को जो है अलग किया जाता है, चाहे वो होमोजीनियस हो चाहे वो हेट्रोजीनियस हो। क्लियर हो गई बात? तो यही चीज है, होमोजीनियस मिक्सचर हेट्रोजीनियस मिक्सचर दो तरीके के मिक्सचर्स होते हैं आपके पास। मिक्सचर आपको बता दिया क्या होता है, फॉर एग्जांपल दो एलिमेंट्स की वजह से बनता है, दो कंपाउंड्स की वजह से बनता है, एलिमेंट कंपाउंड की वजह से बनता है, और इसी दो टाइप्स हम लोगों ने डिस्कस करनी है। हमारा ये होता है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। क्लियर? बहुत आसान तरीके से आपको मिक्सचर समझाने की कोशिश की गई, उम्मीद आपको समझ आई होगी। नहीं समझ आई तो वीडियो में कमेंट जरूर करें या पर्सनल डायरेक्ट मैसेज करके बताएं कि आपको क्या चीज समझ नहीं आई, और लेक्चर को दोबारा एक बार देखें, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के नोट्स आप लोग जरूर गो थ्रू कर लिएगा। यहां पर हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोगों ने एटम क्या होता है, हमारे पास मैटर क्या होता है, सब्सटेंस, एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर, इन सबको जो है हम लोगों ने दो पार्ट्स के अंदर ब्रेक किया। मतलब हम लोगों ने फॉर एग्जांपल अभी तक इन सारी चीजों को पढ़ चुके हैं। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इंशाल्लाह ताला, वो जो हमारी उसमें जो हम चीजें डिस्कस करेंगे वो होगा हमारा व्हाट इज केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला क्या चीज होती है, सिंबल्स कैसे लिखे जाते हैं, वैलेंसीज क्या होती है, सारी चीजें हम लोग इंशाल्लाह ताला लेक्चर्स में डिस्कस कर रहे होंगे। क्लियर है? तो टॉपिक बाय टॉपिक चलोगे तो चीजें आसान लगने लगेंगी, अगर टॉपिक बाय टॉपिक नहीं चलोगे और छलांग मारने की कोशिश करोगे तो जनाब जाहिर सी बात है गिरोगे और टॉपिक समझ भी नहीं आएगा। क्लियर? सो दिस इज इट फॉर टुडे, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग व्हाट इज केमिकल फार्मूला, व्हाट इज वैलेंसी, हाउ टू राइट सिंबल्स, इन सारे टॉपिक को डिस्कस कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपनी तैयारी करते रहें। दिस इज अवेश चौधरी साइनिंग ऑफ, अंटिल नेक्स्ट टाइम अल्लाह हाफिज, एंड एट द एंड पाकिस्तान जिंदाबाद। चले अब तैयारी एक बार कर लिएगा जरूर।